स्नेही बंधु हो, अपनी चर्चा गुण स्थान पर चल रही थी। पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान में कुछ करना है, प्रवृत्ति परक है, दिखता है कि कुछ किया जा रहा है। चौथे गुण स्थान में क्या क्या किया? सप्त व्यसन का त्याग, अष्ट मूल गुण का पालन, त्याग नहीं पालन, हाँ नहीं तो त्याग करो तो सबका त्याग, अच्छे का भी त्याग और बुरे का भी त्याग, और पालन करो तो बुरे का भी पालन और अच्छे का, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले होते हैं भाव। क्या होते हैं? भाव। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक दोषों को दोष नहीं मानोगे तब तक छोड़ोगे कैसे? जब तक बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो इलाज नहीं करवाओगे। क्यों? हम मान ही नहीं रहे कि बीमारी है। जब तक हम दोष को दोष नहीं मानेंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चौथा गुण स्थान, पहले दोषों को छोड़ा, व्यसनों को छोड़ा, जुआ खेलना छोड़ा, चोरी करनी छोड़ी, शिकार करना छोड़ा, पर स्त्री गमन करना छोड़ा, वेश्या गमन करना छोड़ा, हिंसा करना छोड़ी, ये सब चीज़ें छुड़वाई। शुरुआत में शराब पीना छोड़ा। जब तक जैसे किसी भूमि पर बीज बोना हो तो क्या करते, सीधे बीज डाल देते हो क्या? समझदार लोग बैठे हैं, यदि आपको बगीचा लगाना है अथवा खेती करनी है तो सीधे ले जाके बीज डाल देते हो क्या? नहीं करते। क्या करते हो पहले? सफाई करते हो। क्या करते हो पहले? सफाई करते हो। वहाँ की घास उखाड़ोगे, वहाँ के कंकड़ पत्थर बड़े बड़े अलग करोगे, वहाँ पर जो कांटे आदि हैं उन्हें अलग करोगे, घास फूस अलग करोगे, तो भूमि कुछ ठीक हुई है ना। तो चौथे गुण स्थान में क्या किया? सप्त व्यसन का त्याग करवाया, अष्ट मूल गुण का पालन करवाया, मद्य मांस मधु का त्याग करवाया, शराब का त्याग करवाया, और जितनी तरह के बुरे आदतें हैं उनका त्याग करवाया। अभी व्रत नहीं दिए, अभी व्रतों का बीज नहीं डाला, अभी पहले आत्मा रूपी भूमि में तैयारी कर रहे हैं, बीज डालने की तैयारी चल रही है। सप्त व्यसन के त्याग से, शराब आदि के त्याग से, शराब को पीना बुरा मानते हो कि नहीं मानते हो? कौन कौन मानता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूँ। कौन कौन बुरा मानता है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाए रखना। अच्छा, पीछे वाली लड़कियां हाथ नहीं उठा रही, क्या बात है? हैं, आप बुरा नहीं मानती शराब पीना? वो आजकल की लड़कियां और शराब क्या है मालूम ना हो? ओहो, आपको नहीं पता होगा लेकिन वो आपसे ज्यादा उनको पता होगा। अच्छे से हाथ उठाओ, शराब पीना कौन कौन बुरा मानता है? चलिए, अब वो हाथ उठाए जो शराब का त्याग है, जिनका, जिन्होंने शराब त्याग कर रखी है। क्या बात है, यहाँ तो सारी, ओहो क्या बात, आज तो बड़े सुधरे हुए लोग बैठे, सारे सम्यक दृष्टि बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो शराब को पहले बुरा मानेंगे तब उसे छोड़ेंगे। क्या? जब तक हम वस्तु का दोष नहीं जानते हैं तब तक छोड़ नहीं पाते हैं। शराब को बुरा माना है, क्या क्या खराबी है शराब में? क्या खराबी है? पहली खराबी ये है कि एक बूंद शराब में इतने जीव होते हैं कि यदि कबूतर बन के उड़े तो तीनों लोक भर जाए। हाँ, इतने जीव एक बूंद शराब में होते हैं, एक बूंद शहद में होते हैं, यदि उनको उस एक बूंद जीव में से
वो सब कबूतर बन जाए जितने जीव हैं, तो ये बिल्कुल टोटल तीनों लोक भर जाए, इतने जीव एक बूंद शराब में। अब वो पेट में जाएगी तो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जब एक बूंद शराब में इतने जीव हैं तो लोग कितने पीते हैं उसमें, उसका हिसाब लगाओ कि कितने जीवों की हिंसा करी। पहला तो शराब में हिंसा का पाप लगा, दूसरा पाप नशा का है कि जब इंसान को नशा चढ़ जाता है तो वो अच्छे और बुरे की पहचान भूल जाता है। जो काम नहीं करने योग्य भी होते हैं वो भी करता है। एक सन्यासी था, तो वो जंगल से जा रहा था, वहाँ भीलों का कोई उत्सव चल रहा था, तो उन लोगों ने सन्यासी को पकड़ लिया, बोले चल मांस खा, बोले नहीं खाऊंगा, बोले चल स्त्री सेवन कर, बोले नहीं करूंगा बहुत बड़ा पाप है, बोले चल शराब पी, बोले नहीं पीऊंगा, बोले तीन में से एक काम तो करना ही पड़ेगा और नहीं करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। उस सन्यासी ने सोचा एक काम करना है जो सबसे कम बुरा हो उसको कर लेता हूँ, मांस खाने में ज़्यादा पाप है, पर स्त्री सेवन में तो और भी ज़्यादा पाप है, शराब चलो शराब पी लेता हूँ ताकि ये मुझे छोड़ देंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब उसने शराब पी ली और शराब पी तो नशा चढ़ गया, और नशा चढ़ा तो अच्छे बुरे की पहचान भूल गया, जब अच्छे बुरे की पहचान भूल गया तो मांस भी खाया और परस्त्री सेवन भी किया। जो काम नहीं करने योग्य हो नहीं, मतलब जो काम नहीं करना चाहिए वो भी शराब पीने के बाद हो जाते हैं, गलत से गलत काम हो जाते हैं। अपनी माँ को गाली दी जाती है, अपनी पत्नी को गाली दी जाती है, बच्चों को गाली दी जाती है, और जिससे नहीं लड़ना हो उससे भी लड़ लिया जाता। अक्सर शादियों में जो झगड़ा होता है ना, जब बारात निकलने का टाइम होता है, हैं, उनमें दो चार ऐसे उपद्रवी होते हैं वो पी के आ जाते हैं, और होते जरूरी रिश्तेदार, निकट के रिश्तेदार जिन्हें कुछ कह नहीं सकते, जैसे कंवर साहब हैं, जैसे फूफा जी हैं, ये दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, हैं? अब ये या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता, वो पी के आ जाएगा और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देगा। यदि इतने लोग बैठे यहाँ कोई चिल्ला नहीं रहा है, पता है यहाँ चिल्लाने में हमारी बेइज्जती है, ये स्थान गलत है, यहाँ नहीं चिल्लाना चाहिए, और कोई शराब पी के आ जाए उसको चिल्लाने में कोई डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो है ही नहीं है। एक राजा था, हाथी पे जा रहा था, जब रास्ते से जा रहा था तो एक शराबी खड़ा था, तो वो शराबी बोला अवे रजवा हाथी बेचेगा क्या? रजवा यानी राजा, क्या बोला? अवे रजवा हाथी बेचेगा क्या? राजा ने देखा कि ये शराब पिए है, अभी इससे बात करना ठीक नहीं है। दूसरा दिन हुआ, उसका नशा उतरा, उसे सभा में बुलाया, बोले भैया हाथी खरीदेगा क्या? क्या बोला राजा ने? हाथी खरीदेगा क्या? अरे महाराज, मैं और हाथी, इतना मैं एक घोड़ा नहीं खरीद सकता, मैं एक गधा नहीं खरीद सकता, मैं इतना गरीब हूँ तो मैं हाथी कैसे खरीदूंगा? नहीं महाराज, मैं नहीं खरीद सकता। बोले कल तो तू बोल रहा था अबे रजवा हाथी खरीद बेचेगा क्या, क्या बोल रहा था? राजा भी नहीं बोल रहा, महाराज भी नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा? रजवा, अरे रजवा हाथी बेचेगा क्या, और आज तो तू घोड़ा भी नहीं खरीद पा रहा है। तो बोले कल महाराज मैं नहीं बोल रहा था। बोले कौन बोल रहा था? अरे बस शराब का नशा चढ़ गया था। एक और चीज़ याद आ रही है मुझे, एक जगह एक पुजारी जी थे, जैन पुजारी जी। अब एक पुजारी जी को तनख्वाह कितनी मिलती है? उस समय 1800 मिलती थी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। तो उनके यहाँ एक मुनिराज का आहार हुआ,
उनके घर के सामने एक झोपड़ी थी, 4 रुपये महीने होते होंगे। बोले फिर ये गरीब क्यों हैं? बोले दिन में कमाते हैं और रात को, इनके गरीब जो है ना वो गरीब नहीं है, गरीब भी खूब कमाता है, लेकिन उसका व्यसन उसे सारी जिंदगी गरीब बनाए रखता है। जिसको शराब का व्यसन लग गया वो कितना भी कमा ले पैसा दिखता ही नहीं है उसका, आएगा और गलत रास्ते से चला जाएगा। और भी जितने मजदूर आप देखते हो ना काम करने वाले, हम इन्हें गरीब मानते हैं लेकिन ये कमाते तो खूब हैं। अब एक व्यक्ति को 500 रुपया दिन मिल रहा है, महीने का कितना हुआ? 15,000। यदि उनके परिवार में 4 जने भी हुए तो खाने को कितना चाहिए? 7,000। गरीब का खाना 10,000 से ज्यादा का नहीं हो सकता है, फिर भी 5,000 उसमें से बच जाए। लेकिन जब उनका महीना आखिरी आता है या जब वो होता तो वो उनके पास हमेशा, मुझे 10,000 उधार दे दे, मुझे 5,000 उधार दे दे, 200 रुपये उधार दे दे, 500 रुपये, उनकी उधारी चलती रहती है। उनका सामान कितना आता है घर में खाने का? खाने का सामान आएगा इतना सा तेल ले आएंगे, एक पाव चीनी ले आएंगे, इतनी सी चाय पत्ती ले आएंगे, वो 2-4 दिन से ज़्यादा का सामान उनके पास में नहीं होता। कारण क्या है? कारण ये है कि व्यसन लग गया है। जहाँ ये खोटा व्यसन लग जाता है वहाँ बुद्धि खराब हो जाती है। शराब सबसे पहले बुद्धि को खराब करता है। किसको खराब करता? बुद्धि को। और वर्तमान समय में इसका इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है कि आने वाले पहले के समय में तो पुरुष ही शराब पीते थे, लेकिन जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, आप पढ़े लिखे को अच्छा मानते हो ना, अरे बोलिए ना, पढ़ने लिखने के बाद में इंसान सुधरता है या बिगड़ता है? पढ़े लिखे का क्या मतलब हुआ? पढ़ने लिखने के बाद में इंसान को सुधरना चाहिए, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसके संस्कार सुधरने चाहिए या बिगड़ने चाहिए? ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान बढ़ने के बाद में इंसान के जीवन में क्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा, जितना ज्ञान बढ़ रहा है उतनी बुराइयाँ बढ़ रही हैं, उतनी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, उतना क्रोध बढ़ रहा है, उतना अभिमान बढ़ रहा है, उतनी शराब बढ़ रही है, उतने और भी जितने गंदे से गंदे व्यसन हैं वो भी बढ़ रहे हैं और उसको अच्छा मान रहे हैं। अब टीवी में आता है ना, टीवी में प्रचार आता है शराब का, आता है ना। एक बार किसी सिगरेट की फैक्ट्री वाले से पूछा, भैया इतना पैसा लगता है ऐड देने में, तुम इतना ऐड पैसा खर्चा निकालते कैसे हो? बोले एक बार ऐड देखकर कम से कम 20 लोग तो उसको ग्रहण कर ही लेते हैं, और ऐसे हमारी बिक्री बढ़ती है, और जब बिक्री बढ़ती है तो हम भी यहाँ से निकाल के देते हैं। और उस शराब की ऐड में क्या दिखाया जाता? हा, बहुत आनंद आ रहा पीने के बाद में, बहुत मज़ा आ रहा है पीने के बाद में, यही दिखाया जाता है ना। और आजकल तो, और यदि मान लो पैसे वाला है और शराब ना पिए, बोले स्टेटस कैसा? उसके बिना बनता ही नहीं स्टेटस, शराब पीने के बाद ही पता चलता है ये बड़ा आदमी है। लेकिन ध्यान रखना, शराब बुद्धि को ख़त्म करती है, रिश्तों को ख़त्म करती है, परिवार में टेंशन लाती है, शरीर में बीमारियां लाती है और धर्म का नाश करती है। जितना बचा कुछा धर्म आत्मा में होता है उतना भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप तो स्वयं शराब नहीं पीते हैं, आपने तो त्याग कर ही दिया है, लेकिन आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, प्रत्येक बच्चा जो 8 वर्ष का हो गया है, क्या कहा जाता है? भये भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अनुव्रत महासुखकार,
कहाँ की लाइन है ये, कौन सी पूजा की? मुझे तो याद है, आप बताइए। पार्श्वनाथ पूजा की लाइनें हैं, क्या हैं? भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुव्रत महासुखकार। 8 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अणुव्रत दिलवाना चाहिए और 8 वर्ष की उम्र में अष्ट मूल गुण के संस्कार करवाने चाहिए। तुम्हारे यहाँ यदि गुरु हैं, यदि तुम उस समाज के अध्यक्ष हो, मंत्री हो, तो ये प्रोग्राम सामूहिक कर दो, क्योंकि तुम अध्यक्ष हो, तुम मंत्री हो, तुम्हारे हाथ में समाज की बागडोर है। तुम इस समाज की बागडोर जो तुम्हें मिली है अध्यक्ष बनने की, मंत्री बनने की, कुछ अच्छे काम कर लो इसमें। धर्म की वृद्धि कैसे हो, धर्म की परंपरा कैसे बढ़े, तुम्हें सेवा करने का मौका मिला है तो कुछ कर लो इसमें। समाज में जब साधु आते हैं तो जितने भी बच्चे हैं सबको इकट्ठा करो एक दिन और सबको अष्ट मूल गुण दिलवाओ कि मद, मांस, मधु, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, इन 8 चीजों का त्याग करवाओ और संस्कार दिलवाओ कि आज से ये अभिषेक करने योग्य हो गए, आज से ये दीक्षा लेने योग्य हो गए, आज से ये व्रत का पालन करने योग्य हो गए। ऐसे पिच्छी लगवा के सर में और संस्कार दिलवाना चाहिए 8 वर्ष की उम्र में। आप लोगों के यहाँ 8 वर्ष वाले बच्चे हैं कि नहीं हैं? करवाया कि नहीं करवाया आपने ऐसा? ये प्रोग्राम सामूहिक हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, सामूहिक प्रोग्राम में, है ना? तो यदि आप अध्यक्ष मंत्री नहीं हैं तो भी आप साधु को कह करके, आपके शहर में साधु हैं ना, महाराज एक प्रोग्राम ऐसा रखिए ना कि जिसमें हमारे बच्चों को हम इन चीज़ों का त्याग करवा सकें। भले आपके यहाँ 8 वर्ष का बच्चा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समाज में तो है ना। अपने साथ साथ दूसरों का भला भी चाहना चाहिए, है ना? और ये भावना जब आपके अंदर होगी तभी ये काम हो पाएंगे। तो ये संस्कार 8 वर्ष की उम्र में मद, मांस, मधु, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तमाखू, इन सब चीज़ों का बच्चे को 8 वर्ष की उम्र में त्याग करवा देना चाहिए। क्योंकि 8 वर्ष तक जो पाप बच्चा करता है उसका पाप माता पिता को लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 8 वर्ष के पहले पहले जो बच्चा पाप करता है, गलती करता है, उसका पाप माँ बाप को लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अज्ञान है, बच्चा अभी जानता नहीं है। तो इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वो भी पाप से बचे और बच्चों को भी पाप से बचाएं। तो इसीलिए 8 वर्ष की उम्र में अष्ट मूल गुण और जो पार्श्वनाथ भगवान ने किया था वही तो करवा रहे हैं। अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो? कौन कौन अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है? बच्चा सुखी कब होगा? जब वो संस्कारों से सहित होगा, जब वो बुराइयों से दूर होगा, जब वो व्यसनों से दूर होगा। ऐसा कौन माता पिता होंगे कि उसका बेटा शराब पीता हो और माँ खुश होती हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जो माँ खुद पीती हो, जो माँ खुद पीती हो तो वो बच्चे को क्या मना करेगी? जो पिता खुद पीता हो वो अपने बच्चे को क्या मना करेगा? और अब तो पति पत्नी साथ में बैठ के शराब पीते हैं, मतलब जमाना बिल्कुल उल्टा आ गया है। पंचम काल है ना, काल का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? काल का क्या नाम है? दुखमा। क्या नाम है काल का? क्या नाम है? दुखमा। इसमें दुख बढ़ेगा। दुख कैसे बढ़ेगा? दुख बढ़ने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए, दुख आने के लिए दरवाजे चाहिए ना। कि दुख कहाँ से आए? जब तक तुम गलती नहीं करोगे तो दुख आएगा कैसे? तो गलती करने के लिए क्या चाहिए? शराब चाहिए। एक शराब 100 गलतियां पैदा कर देगी, 100 लोगों से झगड़ा करवा देगी, 100 लोगों से लड़ाइयां करवा देगी, 100 दुश्मन पैदा कर देगी। अब लगे रहो अपने दुश्मनों को निपटाने में और होते रहो दुखी।
एक शराब शरीर को खराब कर देगी। अब शरीर पर लगाते रहो दवाइयां और भुगतते रहो दुख, तो दुख आने के रास्ते क्या हैं? यही व्यसन है। तो चौथा गुण स्थान जो है वो सबसे पहले व्यसनों से दूर करता है, अष्ट मूल गुण का पालन करवाता है, अष्ट अणुव्रतों का, अभी नहीं अणुव्रत तो फिर भी कहीं ना कहीं भाव तो आ जाएंगे, अणुव्रत ग्रहण कर लेंगे। भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुखकार, शुरुआत हो गई। तीर्थंकर ने भी इन व्रतों को लिया है, तीर्थंकर ने इन व्रतों को लिया तो वो तीर्थंकर बन गए, भगवान बन गए, सुखी हो गए, परम सुखी हो गए। सुखी होने का रास्ता कौन सा है? ये ही है। तो सबसे पहले प्रतिमा नहीं ली जाती है, सबसे पहले व्रत नहीं लिए जाते हैं, सबसे पहले पाप का त्याग नहीं करवाया। अभी यहां पर यहां क्या कर रहे हैं? व्यसनों का त्याग। यहां क्या कर रहे हैं? अष्ट मूल गुण का पालन। यहां पर करेंगे बुराइयों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, छने पानी का नियम। अभी अभी आप जैनी तब बनेंगे जब चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे। यदि आपने इतने नियम ले लिए, अणुव्रत ले लिए, अष्टमूल गुण ले लिए, इतना पालन कर लिया, तो समझना कि हमारा चौथे गुणस्थान में आने की योग्यता हो गई है। और वरना तो पहला गुणस्थान है ना मिथ्यात्व, अनादिकाल से वहां पड़े थे। कब से? अनादिकाल से, और अभी भी उसी में पड़े हैं। और मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें गुणस्थानों की वृद्धि करने का सबसे सरल और सहज तरीका यहां पर हो सकता है। और इन सब चीजों का त्याग करने का मतलब है पाप के दरवाजे बंद करना। क्या करना? इन सब चीजों का त्याग का क्या मतलब है? पाप के दरवाजे बंद करना। दुखी कौन करता है, पुण्य या पाप? अरे बोलिए ना, पाप दुखी करता ना। तो भगवान महावीर ने क्या बताया? सबसे पहले पाप के दरवाजे तो बंद करो। तुमने पाप के दरवाजे तो बंद किए नहीं और पूजा करने बैठ गए, पूजा करने बैठ गए और पाप का दरवाजा बंद किया नहीं, तो क्या होगा? जितना पुण्य करोगे वो पाप उसमें मिलकर के मिश्रण कर देगा। फिर तुम कहोगे हम इतना धर्म करते हैं और कुछ तो होता नहीं है। पहले दरवाजे तो बंद करो, चौथे गुण स्थान में तो आओ, श्रद्धा को तो मजबूत करो। तो ये जो सारी बात है, चौथे गुण स्थान में आने के लिए इतने काम करने पड़ेंगे। फिर चौथा गुण स्थान आ गया, पांचवें गुण स्थान में कैसे आए वो कल बताऊंगी। अभी तो चौथे पे तो पहुंचो, प्रयास तो करो, भूमि तो तैयार करो। जब तक भूमि तैयार नहीं करोगे तो बीज डालोगे कैसे? नियम व्रत भी ले लिए, प्रतिमा भी ले ली, लेकिन पहले वाला काम नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चौथे गुण स्थान को मजबूत बनाओ, पहले श्रद्धा मजबूत बनाओ अपनी कि इस चीज में दोष है, मुझे इसे छोड़ना है, इस चीज में दोष है, मुझे इसे छोड़ना है। जिन जिन चीजों में दोष नजर आता है उन उन चीजों को छोड़ना शुरू कर दो। जब तक दोष को दोष नहीं मानोगे तब तक छोड़ने वाले नहीं हो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं, खुद ही दुखी रहते हैं फिर भी नहीं छोड़ते हैं। पता है कि शराब में बुराई है लेकिन छोड़ते नहीं है। क्यों? उन्हें लगता है यदि शराब छोड़ दूंगा तो जो शराब से सुख मिल रहा है वो कैसे मिलेगा? शराब से सुख मिलता है क्या? अरे बोलिए ना, यदि नहीं मिल रहा होता तो ये इतने लोग जो पी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन गलत चीज का मजा गलत ही है। क्या
गलत चीज का मजा गलत ही है और गलत स्थान पर ले जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो दूध वाला है, दूध घर घर जाके देता नहीं देता? देता है ना। और शराब जाकर लेनी पड़ती है, हैं? मतलब फ्री में नहीं मिलती है। महंगी क्या है, शराब या दूध? शराब महंगी है। अच्छा, तो जितने की लोग शराब पीते हैं ना, इतने की यदि दूध पीने लगे तो आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाए, शरीर में ताकत आ जाए, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएं। शराब पी के कमज़ोर करते हैं, और दूध से क्या मिलती है, ताकत मिलती है। दूध में गुण है और शराब में बुराई है, लेकिन जिसने पीनी शुरू कर दी, इसको कहते व्यसन। व्यसन क्यों कहते हैं, एक बार पी लो, एक बार तो तुम पियोगे, फिर वो तुम्हें पिएगी। जैसे गुटखा है, एक बार खाते तो ज़रा बुरा सा लगता है, फिर वो यहाँ रखा रहता है, फिर लगता है इस स्थान को जहाँ वो खाता है, वो स्थान खींचता है गुटके को, गुटका खाओ, वो फिर खाता है। फिर उसके बाद फिर रात होती, सुबह उठ के फिर उसका मन करता गुटका खाओ, वो फिर खाता है। ऐसे फिर वो स्थान जहाँ पर, फिर यहाँ तक कि लोगों को कैंसर भी हो जाता है। आपने सुना कि नहीं, मैंने तो 50 देखे हैं, जहाँ पर वो गुटखा खा के उनने 20-25 साल से एक जगह को, अपने मुंह की एक जगह को खराब कर लिया है। एक तो वहाँ रसगुल्ला जैसा स्थान बन जाता है, बेचारा गुटखा ना भी खाए तो ऐसा लगता है इसके मुंह में गुटखा अभी भी भरा है, उसका मुंह वहाँ से उतनी जगह से वैसे ही हो जाता है। और जब कैंसर हो जाता है तो इतना जो हिस्सा होता है ना, इतना पूरा यहाँ से कट पिट जाता है, पूरा निकाल दिया जाता है, पूरा मुंह टेढ़ा हो जाता है उसका। मतलब कैंसर होने के, एक तो सच्ची घटना बताऊं, एक व्यक्ति जहाजपुर में थी, तो वहाँ से कोई दूर स्थान था, तो व्यक्ति हर सप्ताह आता था, तो बोले हमारे भाई को कैंसर हो गया है, ये ना मुंह का कैंसर हो गया, ये गुटखा खाता था ना इसलिए हो गया है, तो इसकी दवाई लेने हम हर सप्ताह जाते हैं। अच्छा भाई, तो मैंने कहा आप उनके कौन हैं? बोले मैं इनका भाई हूँ। मैंने कहा आपके दांत बता रहे हैं कि आप भी गुटखा खाते हैं? बोले हाँ खाता तो हूँ। मैंने कहा भाई को कैंसर हुआ तो आपने छोड़ा नहीं? बोले छूटता ही नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि चाहे कैंसर पैदा कर दे, लेकिन सामने वाले से डर नहीं लगता है कि मुझे भी कैंसर हो जाएगा, इसको हुआ है तो छूटता नहीं है। इसीलिए इसको खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। आती हूँ ना आपके घर रोज, कल महिलाएं कह रही थी माता जी आप सोनकच्छे नहीं आई। कैसे नहीं आई, मैं तो आपके घर रोज आती हूँ। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, शहरों में बाग का, और करने में व्यसनों के त्याग का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और शराब बीड़ी गुटखा शराब सिगरेट आदि व्यसनों को छोड़ने का। शादी में पान का, देने में दान का, और पहुंचने में चौथे गुण स्थान का। स्वभाव में नर्म का, जीवन में स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। पूजा में अत्र अत्र का, यहाँ के बाद गच्छ गच्छ का, और आने वालों में सोन कच्छ का। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और सोन कच्छ की महिलाओं का। और कहाँ से आए, हीरे में हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में परभणी का। इंदौर
आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। देने में दात का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में सिकंदराबाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। जितने बाद वाले वो सारे इकट्ठे हो जाओ, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, सब इकट्ठे हो जाओ। मुंबई महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में उदयपुर का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का। आरोन आरोन दो हैं क्या? आरोन एक ही है, अच्छा। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का और आने वालों में आरोन का। साड़ूमल राघवगढ़, अच्छा। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में राघवगढ़ का। नरसिंहपुर पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में नरसिंहपुर का। मैनपुरी स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में मैनपुरी का। झालावाड़ हाँ, जंगल में झाड़ का, बाग में बाड़ का और आने वालों में झालावाड़ का। कौन सी कोली? भिगोली, भिगोली, हिंगोली, दवाई की गोली का, शिखरजी में डोली का और आने वालों में हिंगोली का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए चौबीसों भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।